हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का अपना टॉपिक है फ्लो चार्ट पार्ट सेकंड, लेक्चर सेकंड। इससे पहले जो अपन ने पढ़ा है, फ्लो चार्ट क्या है, फ्लो चार्ट का ना क्यों यूज करें, फ्लो चार्ट में क्या क्या सिंबल्स यूज होते हैं, तो ये सब अपन देख चुके कि फ्लो चार्ट एक ग्राफिकल है ना या डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी प्रॉब्लम्स का। फिर फ्लो चार्ट कैसे बनाएं, तो फ्लो चार्ट बनाने के लिए फिक्स सिंबल्स यूज करेंगे। तो आठ, लगभग अपन ने टोटल आठ सिंबल्स यूज किए हैं। पहला टर्मिनल बॉक्स है, इनपुट आउटपुट बॉक्स है, पेरेलोग्राम है ना, रेक्टेंगल को प्रोसेसिंग बॉक्स में डाला अपन ने, डायमंड बॉक्स को कंडीशन के लिए अपन यूज करेंगे, फिर एरो है फ्लो डायरेक्शन कंट्रोल, मतलब एग्जीक्यूशन की डायरेक्शन को अपन कैसे दिखाएं, तो फिर अपने एरो कीज थी, और अपन प्री डिफाइन कोई प्रोसेस यूज करें तो रेक्टेंगल के दोनों तरफ पैरेलल लाइन डली हुई थी है ना, कोई कनेक्टर यूज करें, कोई पर्टिकुलर पोर्शन से कनेक्ट करना हो, या कोई फ्लो चार्ट का कोई पर्टिकुलर पोर्शन को किसी सेम पेज पे दूसरी जगह अपन को इंडिकेट करना हो, तो अपन ने कनेक्टर का यूज किया था। तो आज की जो अपन क्लास ले रहे हैं उससे आगे कि अपन फ्लो चार्ट क्यों बनाएं, फ्लो चार्ट मतलब फ्लो चार्ट के लिए क्या नॉमिनिक्लेचर रूल्स हैं, फ्लो चार्ट के क्या एडवांटेज है, फ्लो चार्ट की क्या लिमिटेशन या डिसएडवांटेज है, फ्लो चार्ट के कितने प्रकार के स्ट्रक्चर बनते हैं, तो ये पूरा अपन आज के ये इस क्लास में पूरा टॉपिक कवर करेंगे। तो अपन देखें, अपने है ना आज की जो क्लास होगी उसमें चार टॉपिक होंगे। तो पहला टॉपिक है द रूल्स फॉर ड्राइंग फ्लो चार्ट, सेकंड पोर्शन अपना रहेगा एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट्स, फ्लो चार्ट अपन क्यों यूज करें, डिसएडवांटेज या लिमिटेशन ऑफ फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट की क्या लिमिटेशंस है या डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट अपना रहेगा फ्लो चार्ट डिजाइन स्ट्रक्चर्स, कि फ्लो चार्ट अपन कितने तरह के स्ट्रक्चर्स में डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स आएगी, तो प्रॉब्लम्स को अपन है ना कैसे ड्रॉ करेंगे फ्लो चार्ट के थ्रू। तो फ्लो चार्ट के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर अपन नेक्स्ट जो ट्यूटोरियल होगा उसमें पढ़ेंगे अपन। तो अपन देखें, सबसे पहले अपन ले रहे हैं रूल्स फॉर ड्रॉइंग फ्लो चार्ट। कोई भी अपन है ना कोडिंग करें, कोई भी डायग्राम्स बनाएं है ना, कोई भी अपन को एक्सपेरिमेंट करना हो, तो पहले रूल रेगुलेशन सब आने चाहिए कि अपन कोई भी फ्लो चार्ट को ड्रा करेंगे तो ड्रा करने में अपन क्या क्या रूल्स को फॉलो करें। जैसे फ्लो चार्ट क्या होगा, मल्टीपल बॉक्सेस होंगे, इसमें मल्टीपल सिम्बल्स होंगे, तो सिम्बल्स की आप कनेक्टिविटी कैसे करोगे, किसी एक पर्टिकुलर सिम्बल्स में जैसे एंट्री होगी तो आप एग्जिट कैसे करोगे, प्रोग्राम का पूरा कंट्रोल का वे कैसे दिखा पाओगे। तो अपन को जब डायग्राम्स बनाएंगे तो डायग्राम्स के लिए पर्टिकुलर्स रूल्स को फॉलो करते हुए अपन फ्लो चार्ट को डिजाइन करेंगे। तो अपन फ्लो चार्ट कैसे डिजाइन करते हैं, तो उसके क्या नॉमिनिक्लेचर रूल्स है, तो वो अपन अभी इस आज के ट्यूटोरियल में देखने जा रहे हैं। तो अपन देखें, तो अपना द रूल्स फॉर ड्रॉइंग फ्लो चार्ट्स, तो फ्लो चार्ट को ड्रॉ करने के लिए क्या क्या रूल्स अपन फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट रूल है मेरा, द फ्लो चार्ट शुड बी क्लियर, नीट एंड ईजी टू फॉलो। फ्लो चार्ट जब अपन फॉलो करें या बनाएं तो बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए, कोई भी इंस्ट्रक्शन या स्टेटमेंट लिखोगे फ्लो चार्ट के अंदर तो नीटली एंड क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हो गया कि इन ड्रॉइंग ए प्रॉपर फ्लो चार्ट ऑल नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स शुड बी लिस्टेड आउट इन लॉजिकल ऑर्डर, कि अपन फ्लो चार्ट को भी डिजाइन करेंगे तो जितने भी अपनी नेसेसरी रिक्वायरमेंट है कि कैसे अपन कंट्रोल को मतलब डिजाइन कर पाएंगे, कैसे कंट्रोल का फ्लो होगा, कंडीशन कैसे लगा पाएंगे, तो अपने माइंड में पूरा फ्लो रहना चाहिए, लॉजिकल पूरा ऑर्डर होना चाहिए कि इसके बाद में क्या लिखें, इसके बाद में कौन सी स्टेप्स में जाएंगे, तो पूरा माइंड में एक लिस्टिंग रहनी चाहिए, लिस्टेड आउट इन लॉजिकल ऑर्डर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है फ्लो चार्ट के लिए, कि ये अपना है ना कि ये पूरा ये पूरी लिस्टेड एक अपन को जो भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट है पूरी लिस्टेड लिस्टेड आउट इन लॉजिकल ऑर्डर में होनी चाहिए, मतलब अपने माइंड में। फिर थर्ड पॉइंट है इसका, द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ ए एक्टिविटीज और सिस्टम इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट, कि कोई भी फ्लो चार्ट को अपन ड्रॉ करेंगे तो या तो टॉप से बॉटम की ओर मतलब ऐसे चलेंगे, फिर या डायरेक्शन को अपन इंडिकेट करेंगे लेफ्ट टू राइट, तो अपना जो भी होगा एक्टिविटीज का
या सिस्टम इज फ्रॉम हो गया है ना टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे और इधर दाएं से बाईं ओर, है ना, ऊपर से नीचे, मतलब ऐसे चलेंगे अपन कि इसके बाद में स्टेप पे आए फिर ऐसे आए, तो ये तो हो गया टॉप टू बॉटम, और ऐसे चलेंगे लेफ्ट से राइट। फोर्थ पॉइंट हो गया, ओनली वन फ्लो लाइन शुड कम आउट फ्रॉम ए प्रोसेस बॉक्स, कि प्रोसेस बॉक्स में आपके जैसे अपन फ्लो लाइन होगी ना जो दिखाएंगे इंडिकेशन, वो ओनली वन लाइन होगी, ओनली वन फ्लो लाइन कम आउट फ्रॉम ए प्रोसेस, जैसे प्रोसेस बॉक्स हो गया ये वाला, अब इसमें आपकी है ना एक ही लाइन आएगी इसमें, और इससे जब प्रोसेस से निकलेंगे तो एक इनकमिंग और आउटगोइंग सिंगल प्रोसेस, ये सिंगल एरो लाइन आएगी, मतलब इनकमिंग में एक लाइन आएगी, जब प्रोसेस से निकलेंगे नेक्स्ट ये भी आपकी एक ही लाइन होगी, इनकमिंग आउटगोइंग, इस प्रोसेस से निकला और दूसरे बॉक्स में जा रहा हूँ मैं। फिर नेक्स्ट देखें अपन, ओनली वन फ्लो लाइन, वन फ्लो लाइन शुड एंटर ए डिसीजन सिंबल्स, ये डिसीजन सिंबल समझ गए ना, कोई भी अपन कंडीशंस के अंदर एंट्री लेंगे तो एक फ्लो लाइन होगी, मतलब एक ही लाइन से एंट्री पॉइंट होगा। फॉर एग्जांपल जैसे अपन डिसीजन में जाएं, डिसीजन के लिए अपन डायमंड बॉक्स पढ़ चुके, तो डायमंड बॉक्स में है ना जैसे आएंगे तो एक फ्लो लाइन होगी ये वाली, ऐसे नहीं कि दो लाइन से आप एंट्री कर रहे हो, एक ही डायरेक्शन से एंट्री होगी और दो एग्जिट पॉइंट हो सकते हैं डायमंड बॉक्स में। तो फिर अपन नेक्स्ट देखें, तो ये भी हो गया है ना, ये हो गया आपका ओनली वन फ्लो लाइन शुड एंटर ए डिसीजन सिंबल्स। नेक्स्ट हो गया, ओनली वन फ्लो लाइन इज यूज्ड इन कंजक्शन विद टर्मिनल सिंबल्स, कंजक्शन मीन्स होता है एड करना, कि आपके दो जैसे ये एक बॉक्स ये हो गया है ना, एक बॉक्स ये हो गया, तो एक लाइन से कनेक्टिविटी होगी, एक एरो लाइन से कनेक्टिविटी होगी फ्लो लाइन, ऐसे नहीं कि दो लाइन से जोड़े अपन, ऐसे नहीं होगा, एक ही लाइन से कनेक्टिविटी होगी। फिर नेक्स्ट देखें, इंश्योर दैट द फ्लो चार्ट हैज ए लॉजिकल स्टार्ट एंड स्टॉप, ये इम्पोर्टेंट भी पॉइंट है कि आपका कोई भी फ्लो चार्ट होगा प्रॉपर वे में स्टार्ट होना चाहिए, ऐसे ये वाला ना स्टार्ट होना चाहिए और ऐसे ना स्टॉप होना चाहिए, स्टार्ट एंड स्टॉप, ये टर्मिनल बॉक्स बिगिनिंग पे क्लोजिंग पे होनी चाहिए, प्रत्येक फ्लो चार्ट में एक स्टार्ट होगा और एक आपका एंड होगा। फिर नेक्स्ट देखें, इट इज़ यूजफुल टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ द फ्लो चार्ट बाय पासिंग थ्रू इट विद ए सिंपल टेस्ट डेटा, तो ये अपना फ्लो चार्ट जो होता है ना एक वैलिडिटी को टेस्ट करने के लिए भी अपन फ्लो चार्ट के अंदर डेटा को पास करके और एक वैलिडिटी टेस्टिंग अपन कर सकते हैं डेटा इसकी, कि अपने प्रॉपर रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा, उसके लिए भी फ्लो चार्ट एक यूजफुल हो जाता है अपने लिए। तो फ्लो चार्ट को ड्रॉ करें तो अपन को एक कुछ नॉमिनिकली इसका फ्लो चार्ट के लिए है ना रूल्स रेगुलेशन बना दिए कि फ्लो चार्ट के लिए क्या रूल्स रेगुलेशन है, तो आप इनको थोड़ा लर्न करें और ये 8 पॉइंट माइंड में फॉलो करो। फिर नेक्स्ट देखें अपन, एडवेंटेज ऑफ यूजिंग फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट के क्या एडवेंटेज है ना, बेनिफिट्स, कोई पूछे फ्लो चार्ट अपन क्यों यूज करते हैं, तो अब सिंपल सा है ना कि प्रॉब्लम को बेटर वे में अपन समझ पाए, बेटर अंडरस्टैंडिंग, कि बेटर वे में प्रोग्राम्स को कैसे डिजाइन करें, तो प्रोग्राम को डिजाइन करने के लिए पहले अपन फ्लो चार्ट से समझते हैं पूरे प्रोग्राम को। कई बार होता है ना कि जैसे ओरल कोई बताए अपन को कि इस क्वेश्चन को आप ऐसे सोल्व कर लेना, और एक होता है कि मैं डायग्रामेटिकली पूरा आपके सामने पूरा प्रेजेंट कर दूँ क्वेश्चंस को, तो डायग्रामेटिकली आपका है ना ईजी वे में आप कम्युनिकेट कर पाओगे प्रॉब्लम्स के साथ। तो फर्स्ट जो अपना डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इसमें एडवांटेज है, तो फर्स्ट जो पॉइंट है एडवांटेज का, बेटर कम्युनिकेशन, कि अपन कंप्यूटर के अंदर कोडिंग कैसे करें, कोडिंग को कैसे कम्युनिकेट कर पाएंगे अपन, है ना, कैसे समझा पाएंगे कंप्यूटर को, तो कोई भी प्रॉब्लम्स को कंप्यूटर को कैसे डील करें, तो कम्युनिकेट करने के लिए फ्लो चार्ट अपना एक बेटर वो कह दो, तरीका कह दो, कि डायग्राम के थ्रू समझना बहुत ईजी हो जाता है, तो इट इज ईजियर, आसान हो गया अपना, है ना, इट इज ईजियर हो गया, आसान हो गया फॉर ए प्रोग्रामर, प्रोग्रामर मतलब जो कोड लिखेगा, टू एक्सप्लेन द लॉजिक ऑफ ए प्रोग्राम
टू अदर प्रोग्रामर थ्रो ए फ्लो चार्ट, कि जैसे अपना कोई भी बॉस होता है ना, या अपना ऊपर टीम लीडर होता है, तो आप कोई कोड लिखने जा रहे हो तो उस कोड को बेटर वे में कैसे प्रेजेंट करोगे, अपने बॉस को कैसे समझा पाओगे। कई बार होता है ना कि प्रोग्रामर होता है, प्रोग्रामर से ऊपर भी एक प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया। अब प्रोग्रामर का काम तो कोड लिखने का हो गया, अब प्रोजेक्ट मैनेजर ने प्रोग्राम को बुला लिया, अब वो कहता है कि इसका एक्सप्लेनेशन करो बेटर वे में, फिर प्रोग्रामर कैसे एक्सप्लेनेशन कर पाएगा। तो फिर वो क्या करेगा, डायग्राम बना के, चार्ट बना के, ये डेटा आएगा, ये कंडीशन में प्रवेश करेगा, कंडीशन के अकॉर्डिंग ये यस नो का रिजल्ट आएगा और प्रोसेस होके ये रिजल्ट बन के तैयार होगा अपना। तो बेटर वे में कम्युनिकेट करना हो तो फ्लो चार्ट की रिक्वायरमेंट हो जाती है अपनी। इफेक्टिव एनालिसिस हो गया, कोई भी अपन एनालिसिस करें, जैसे मैं तुमसे करूँ कि कोड लिखो, ये प्रोग्राम बनाओ, तो तुम पहले प्रोग्राम्स को समझोगे, समझ के फिर आगे का स्टेप्स को फॉलो करोगे। अब प्रोग्राम को कैसे समझ पाओगे, कैसे एनालिसिस करोगे कि ये इतने सारे मॉड्यूल्स बनेंगे, इस मॉड्यूल का ये पूरा सॉल्यूशन इस तरह से होगा। तो बेटर इफेक्टिव एनालिसिस के लिए अपन को फ्लोचार्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी। प्रॉब्लम कैन बी एनालाइज्ड इन मोर इफेक्टिव वे, अगर प्रोग्राम को कोई भी एनालाइज करना हो इफेक्टिव वे में, तो डायग्राम बना के समझाना सबसे अच्छा मतलब वो है कंसेप्ट। नेक्स्ट देखें अपन, फिर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम है ना, या सिस्टम्स, प्रोग्राम का पूरा डॉक्यूमेंटेशन पूरा बताना हो कि इस तरह से प्रोग्राम पूरा फ्लो हो रहा है। तो अपने आप में फ्लो चार्ट को डिजाइन करते हो, पूरी स्टेप्स क्लियर लिखी हुई है, तो ये अपने पास है ना फ्लो चार्ट जरूरी हो जाएगा उसके लिए। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम ऑब्लिक सिस्टम्स, तो फ्लो चार्ट ऑफन प्रोवाइड वैल्यूएबल डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट, पूरा डॉक्यूमेंटेशन अपने आप में सपोर्ट करेगा। फिर नेक्स्ट देखें, इफेक्टिव एफिशिएंट प्रोग्राम मेंटेनेंस, एफिशिएंट होता है ना कि प्रोग्राम का मेंटेनेंस कैसे कर पाएंगे, कि इजी वे में, कि ज़्यादा अपन को वो मतलब हार्ड वर्क नहीं करना पड़े, इजी वे में प्रोग्राम अपना मेंटेनेंस हो जाए, तो फ्लो चार्ट के थ्रू अपन उसी स्टेप में जाके कोई भी मेंटेनेंस कर सकते हैं कोडिंग में। तो फ्लो चार्ट क्या है, वंस ए फ्लो चार्ट इज रेडी है ना, एक बार अगर आपको फ्लो चार्ट पूरा रेडी हो गया तो प्रोग्रामर्स जो कोड लिखेगा, फाइंड इट वेरी इजी टू राइट द कोरस्पोंडिंग प्रोग्राम। अगर एक बार आपने पूरा स्केचिंग कर लिया, फ्लो चार्ट को पूरा बना लिया, तो प्रोग्रामर के लिए कोड लिखना बिल्कुल आसान हो जाएगा। फ्लो चार्ट में भी क्या होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर बनते हैं, तो कोडिंग में भी ये पूरी फैसिलिटीज होती है। कंडीशंस आएगा फ्लो चार्ट में भी, पूरा कंडीशंस के लिए अपने पास बॉक्स होते हैं, तो फ्लो चार्ट की स्टेप्स को ईजी वे में प्रोग्राम लिख सकता है, फ्लो चार्ट के थ्रू कोड में लिख सकता हूँ। तो अपना एफिशिएंट प्रोग्राम मेंटेनेंस। नेक्स्ट पॉइंट हो गया सिस्टेमेटिक डीबगिंग, और डीबगिंग क्या होती है कि कोई भी प्रोग्राम्स में एरर्स आएगी। अब एरर्स को अपन नॉर्मली है ना बग्स बोलते हैं, BUG, व्हाट डू यू मीन बाय बग, प्रोग्रामिंग की एरर जो आती है अपनी वो बग्स होती है। तो बग्स को अपन कैसे फाइंड करें है ना, कैसे डिटेक्ट करें, तो फ्लो चार्ट के थ्रू ईजी वे में आप बग्स को वो कर सकते हो, मतलब सर्च करके और रिमूव कर सकते हो। तो फ्लो चार्ट इज वेरी हेल्पफुल इन डिटेक्टिंग, लोकेटिंग एंड रिमूविंग एरर्स, एरर को डिटेक्ट करना, एरर को लोकेट करना, मतलब उसकी एरर कौन सी उसमें आएगी है ना, ब्लॉक में आएगी या कौन सी स्टेटमेंट में आएगी, एरर को पूरा रिमूव करना, ये पूरा सिस्टमेटिक डिबगिंग का कंसेप्ट फ्लो चार्ट में आ जाता है ना, इन ए प्रोग्राम इन ए सिस्टमेटिक मैनर। फिर नेक्स्ट अपना हो गया सिस्टमेटिक टेस्टिंग। प्रोग्रामिंग की क्या होती है, कोड अपन ने लिख दिया, अब कोड कि अपन वैलिडिटी को कैसे चेक करें कि कोड प्रॉपर करेक्ट रिजल्ट दे रहा है नहीं दे रहा, तो फिर क्या होता है कि डेटा को अपन पूरा प्रोग्राम कोड में पास करते हैं और फिर उसकी वैलिडिटी को पूरा चेक करते हैं कि करेक्ट आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अपना फ्लो चार्ट के थ्रू भी इजी वे में अपन सिस्टमेटिक टेस्टिंग कर सकते हैं। तो फ्लो चार्ट क्या करेगा, ए फ्लो चार्ट प्रूव्स टू बी वेरी हेल्पफुल इन डिजाइनिंग द टेस्ट डेटा फॉर ए सिस्टमेटिक टेस्टिंग ऑफ प्रोग्राम्स। प्रोग्राम के अगर सिस्टमेटिक टेस्टिंग करनी हो, डेटा लेके अपन फ्लो चार्ट में चले,
फिर रिजल्ट्स का वेरीफाई करें कि रिजल्ट्स प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा, तो अपने पास सिस्टमेटिक एक टेस्टिंग का कंसेप्ट फ्लो चार्ट में आएगा। तो अपने पास 6 पॉइंट हो गए फ्लो चार्ट के एडवांटेज के, परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार ये 4 मार्क्स का 2 मार्क्स का ये एडवांटेज पूछ लेते हैं, फ्लो चार्ट के क्या क्या एडवांटेज है, तो अपन को ये पूरे पॉइंट माइंड में रहना चाहिए कि टेस्टिंग इजी वे में हो जाती है, डिबगिंग का कंसेप्ट सिस्टमेटिक ढंग से हो जाएगा, मेंटेनेंस है, इफेक्टिव एनालिसिस के लिए हो गया, बेटर कम्युनिकेशन का कंसेप्ट हो गया, डॉक्यूमेंटेशन का कंसेप्ट हो गया। तो ऐसे इस पॉइंटों को याद करो। फिर नेक्स्ट देखें अपन, अब हो गया ना कि फ्लो चार्ट की लिमिटेशन बताओ कि फ्लो चार्ट्स के क्या क्या डिसएडवांटेज है। अब सिंपल सा कि अपन कोड लिख देंगे, एडवांटेज तो पता चल गया, तो एडवांटेज के साथ साथ डिसएडवांटेज भी है। अब क्या क्या डिसएडवांटेज है, तो एक तो ये क्या होता है, फ्लो चार्ट खाली है ना खुद के समझने के लिए, एक प्री टूल्स कह दो प्रोग्राम को कैसे बेटर वे में समझ पाए, तो चार्ट के थ्रू समझ लो। तो ये क्या होता है, एग्जीक्यूटेबल कोड नहीं है। सी लैंग्वेज में या कोई भी लैंग्वेज में अपन कोड करें वो तो उसको रन करके अपन उसका प्रॉपर वे में रिजल्ट ले सकते हैं। ये क्या है, एक एग्जीक्यूट नहीं होगा समझने के लिए कि इस तरह से आपकी स्टेप्स का फ्लो होगा, है ना, ग्राफिकल वे में। तो इसका मेन एक तो डिसएडवांटेज हो गया नॉट एग्जीक्यूटेबल, पहला कि ये रन नहीं होता है कोड, बस एक प्रोग्राम में प्रोग्राम कोड कैसे लिखे इससे अपन को है ना एक फ़ायदा मिल जाएगा। फिर दूसरा अपन देखें, अगर फ्लो चार्ट में कोई भी फ्लो चार्ट को अपन को डिजाइन कर रहे हैं, अब डिजाइन करते वक्त फ्लो चार्ट कुछ गलत बन गया कि एरर्स आ गए, अपन ने सिंबल्स जो यूज करना था वो कोई दूसरा सिंबल्स लगा दिया, अब या तो उस सिंबल्स को काटोगे तो फ्लो चार्ट ही गड़बड़ हो जाएगा, उसको अगर हटा देंगे या कोई क्रॉस कर देंगे तो फिर अपन को क्या री स्केचिंग करनी होगी, यानी रीड्रॉ करना होगा वापस। कह रहा था ना कि आपके फ़ोटो बना रहे हो और फोटो में आपके पूरे कुछ मिस्टेक्स हो गए बनाने में, तो वो फिर रिमूव नहीं होती। प्रोग्राम कोड में तो क्या होता है, रिमूव हो जाती है, फ्लो चार्ट में है ना रिमूव नहीं होती। तो फ्लो चार्ट में रिमूव नहीं होती तो फिर अपन क्या होता है कि रीड्रॉ का कंसेप्ट आ जाएगा, ये रीड्रॉ यानी दोबारा बनाओ, एरर्स आ जाए फ्लो चार्ट में। तो एक दूसरा ये डिसएडवांटेज कह दो, इसकी लिमिटेशन कह दो। फिर इन लार्ज कॉम्प्लेक्स, अगर प्रोग्राम है लार्ज प्रोग्राम हो गया, अब तुम अगर मान लो एक स्टेटमेंट का एक इंस्ट्रक्शंस का एक बॉक्स है, तो आपके है ना कॉम्प्लिकेशन इतनी आ जाएगी कि इतने सारे तो डायग्राम्स हो जाएंगे, कनेक्टिविटी हो गई, फ्लो लाइन को कहाँ से कंट्रोल करोगे, तो एक तो टाइम भी वेस्ट होगा आपको, मान लो वैल्यूएबल टाइम है, डिजाइन करोगे इतना डायग्राम्स बनाओगे स्केचिंग करोगे तो टाइम तो वेस्ट होता ही है। तो इसका मेजर जो डिसएडवांटेज है, इन लार्ज या कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम फ्लो चार्ट आर वेरी टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज़्यादा टाइम लेगा एंड लेबोरियस, है ना, लेबोरियस यानी आपको ज़्यादा हार्ड वर्किंग होगी टू ड्रा विद प्रॉपर सिंबल्स एंड स्पेसिंग, कि आपको पूरा ड्रॉ करना हो फिर प्रॉपर स्पेसिंग मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। अगर कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम आएगा तो बहुत सारे बॉक्स आएंगे, तो आपको है ना पूरा इस तरह से स्पेसिंग और सिंबल्स को पूरा मेंटेनेंस करने के लिए पूरा लेबोरियस मतलब मेहनत हो जाएगी एक तरह से। फिर देर आर सेट स्टैंडर्ड स्पेसिफाइंग, नो सेट स्टैंडर्ड स्पेसिफाइंग, फ्लो चार्ट के लिए से कोई सेट स्टैंडर्ड नहीं है, कोई किस वे में फ्लो चार्ट बनाएगा, हो सकता है मैं अलग स्टाइल में फ्लो चार्ट बना रहा हूँ, मेरा कंट्रोल्स दूसरे वे में चल रहा है, दूसरा कोई अलग वे में बना रहा, तो इसके लिए कोई है ना सेट स्टैंडर्ड स्पेसिफाई नहीं है। द डिटेल्स ऑफ द डेटा दैट शुड बी शो इन ए फ्लो चार्ट, कि डेटा को अपन शो करेंगे फ्लो चार्ट में, तो इसके लिए कोई है ना ऐसे वो नहीं है, नो सेट स्टैंडर्ड स्पेसिफाइंग नहीं है मतलब। तो ये फ्लो चार्ट के 4 डिसएडवांटेज हैं। फ्लो चार्ट से ड्रॉ कर लिया, ड्रॉ करने के बाद में अपन ने रूल्स को पढ़ लिया, रूल्स फ्लो चार्ट से फिर क्या बेनिफिट हुआ, क्यों यूज करें, वो टॉपिक अपन पढ़ चुके। फ्लो चार्ट्स के क्या लिमिटेशन है, डिसएडवांटेज क्या है, ये पढ़ चुके। फिर नेक्स्ट अपन देखें फ्लो चार्ट को अपन कैसे डिजाइन करें, कि फ्लो चार्ट क्यों, कोड लिखने से पहले का ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, इजी कम्युनिकेट कर पाओ आप प्रॉब्लम्स को ना इजी वे में समझ पाओ, तो फ्लो चार्ट के थ्रू अपन समझ सकते हैं। कई बार होता है ना कि लॉजिक ऐसे समझ भी नहीं आ रहा, डायग्राम से ईजी हो जाता है, तो फ्लो चार्ट एक बेटर कम्युनिकेशन का एक वो कह दो, माध्यम कह दो। तो अपन फ्लो चार्ट को कैसे डिजाइन करें,
तो डिजाइन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर आएंगे। फ्लो चार्ट को जब मैं डिजाइन करूँगा तो फ्लो चार्ट जब भी बनाओगे तो प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग चलता है कि प्रॉब्लम्स में कहीं हो सकता है कि सीक्वेंस ही नज़र आ रहा हो कि एक के बाद एक चलता गया और मेरे को सॉल्यूशन बन बन मिल गया। कई बार होता है ना कि प्रॉब्लम्स में कंडीशनल स्टेटमेंट आ रहे हैं और ऐसे हो सकता है एक ही कंडीशन हो, पर ऐसे भी हो सकता है मल्टीपल कंडीशन आ जाए, तो फिर है ना तुम सिलेक्शन कैसे करोगे, प्रॉपर रिजल्ट का सिलेक्शन कैसे करोगे। तो फिर अपन को है ना फ्लो चार्ट की ज़रूरत पड़ेगी, एक उसका स्ट्रक्चर अलग बनेगा। फिर अपन ने मान लो कई बार फ्लो चार्ट्स में है ना रिपीटेशन आ जाए, तो फिर रिपीटेशन में होता है ना एक साइक्लिक प्रोसेस चलाना हो। अब रिपीटेशन में होता है कि पहले कंडीशन चेक करूँ फिर एक साइक्लिक प्रोसेस में चलूँ, हो सकता है मैं पहले है ना एक साइक्लिक प्रोसेस में एंट्री ले लूँ और फिर बॉटम पे जाके कंडीशन टेस्ट करूँ। तो फिर अपना है ना कंट्रोल करने के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर या लेआउट होंगे। फ्लो चार्ट तो मैं देखें तीन तरह के मेजर लेआउट बनेंगे अपने पास है ना, डिजाइन करने के जो स्ट्रक्चर होंगे फॉर्म होंगी अलग अलग रूप है। अब पहला जो रूप होगा तो तीन तो अपन यूज करेंगे, तीन है ना फॉर्म्स होती है फ्लो चार्ट की। तो पहला तो होता है सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब होता है कि वन आफ्टर अनदर, कि बिल्कुल टर्निंग पॉइंट नहीं आएगा, सीधे प्रॉब्लम्स को वन बाय वन पढ़ते जाओ सॉल्यूशन मिल गया, तो वो सीक्वेंस होगा, लीनियर वे में चलते जाएंगे। फिर अपना है ना सिलेक्शन या ब्रांचिंग का कंसेप्ट आएगा है ना। तो सिलेक्शन ब्रांचिंग का सिंपल सी थ्योरी है कि जैसे मान लो कि तुमसे मैं कोई क्वेश्चंस पूछता हूँ, अब क्वेश्चंस को कई बार तुम यस कह देते हो तो फिर मैं कह दूंगा इस गिफ्ट को ले लो, मान लो तुमको पेन में गिफ्ट दे रहा हूँ। अब क्वेश्चंस गलत बोलोगे तो मैं कहूँगा ये तुमको नहीं मिलेगा। और कई बार क्या होता है कि दो अल्टरनेट हो गए, कंडीशन एक हो जाती है, अब दो अल्टरनेट में दो में से एक का सिलेक्शन करना हो तो अपन को फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा। कई बार तीन कंडीशन के आधार पर रिजल्ट को प्रोड्यूस करना हो, कई बार कंपिटिटिव परीक्षा अपन देते हैं तो कंपिटिटिव परीक्षा में पहले प्री परीक्षा दे ली, फिर मेन दे ली, फिर इंटरव्यू दे ली, अब तीनों में तुम पास हो गए, यस यस करते गए तो लास्ट में तुमको यस का रिजल्ट मिल जाएगा। कई बार अपन रिजल्ट देखते हैं तो रिजल्ट देखने में होता है ना कि मान लो मेरी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, अब नहीं का मतलब नो हो गई वहाँ पे कंडीशन, फिर तुम क्या करोगे फर्स्ट में देखो, फर्स्ट में नो हो गई फिर तुम सेकंड में देखो, सेकंड में भी नहीं रिजल्ट नहीं मिल रहा फिर पास में देखो, पास में नहीं मिल रहा तो फिर तुम डिसीजन ले लोगे फेल हो गया। तो कई बार अपन ना यस करने पर आगे चढ़ते हैं, आगे है ना फॉलो करते हुए चलते हैं, और कई बार नो में है ना अपन नेक्स्ट कंडीशन को चेक करते हुए चलते हैं। तो रिजल्ट को कैसे है ना अपन सिलेक्शन करें मल्टीपल कंडीशन में, तो फिर ये ब्रांचिंग सिलेक्शन की थ्योरी आ जाती है ना। ये एक ब्रांचिंग, अब इसमें चार कैटेगरी हो गई, एक तो एक कंडीशन और एक ही ऑप्शंस, एक होता है एक कंडीशन और दो ऑप्शंस, और एक होता है मल्टीपल कंडीशन, कंडीशन वन टू थ्री चलती जाए है ना। अपन ने जैसे कंडीशन वन आ गई फिर ये सही हो गई तो फिर कंडीशन दो आ गई है ना, अगर ये सही हो गई है ना ये टी हो गई, मतलब टी ये सही हो गई तो कंडीशन तीसरी आ गई, और तीसरी भी सही होगी तो रिजल्ट मिल जाएगा अपन को। एक होता है कंडीशन गलत होने पर आगे चले, तो चार प्रकार के स्ट्रक्चर बनेंगे। और एक अपना लूपिंग इटरेशन रिपीटेशन, एक ही मतलब है साइक्लिक प्रोसेस में चलना, तो लूपिंग इटरेशन रिपीटेशन ये साइक्लिक प्रोसेस, तो ये भी है ना फ्लो चार्ट की कैटेगरी है। तो इनको अपन नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, अलग अलग स्ट्रक्चर है विद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को लेके कैसे बनाएं फ्लो चार्ट को। तो इन्हीं स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए फ्लो चार्ट अपन डिजाइन करेंगे, प्रॉब्लम्स लेंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे। फिर अपन आज की क्लास को अपन यहीं पर एंड करते हैं, तो आगे नेक्स्ट क्लास में फिर आप इन टॉपिक को ले लोगे। तो आज की क्लास का मैं यहीं एंड करके, ठीक है ना, थैंक यू।